कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 85 सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। एआईसीसी ने सूची पर रोक लगाई और आगामी आदेश तक ये रोक लगा दी गई है। तो कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिनों मई में ही 85 सचिवों की नियुक्ति की गई थी और उसके बाद अब एआईसीसी ने इस सूची पर रोक लगा दी। हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई है। कनिका, एआईसीसी ने सूची पर रोक लगाई है, क्या कुछ कारण निकल कर आ रहा है अंदर से? प्रभारी रंधावा ने हालांकि इस पर रोक लगा दी है, परंतु अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या कारण रहा है, क्योंकि देखिए लगातार जो एक फीडबैक का सिलसिला लगातार जारी है, कौन किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है किसकी नहीं। इस पूरे मामले में इन कई बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस लिस्ट में नाम दाखिल किए गए थे। हालांकि अभी एआईसीसी द्वारा जो है इस लिस्ट पे जो है रोक लगा दी गई है, परंतु अभी तक। कनिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, 85 सचिवों की सूची कुछ दिन पहले ही आई थी, फिलहाल एआईसीसी ने रोक लगाई है, क्या कुछ कारण? कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने रोक लगाई ना मैंने सूची जारी की। आप बताइए मेरा क्या लेना देना है, मुझे वास्तव पता नहीं है। मैं आपकी खबर से मुझे पता चला, अब कल पता चलेगा क्या कारण है क्या नहीं है, क्यों रोक लगाई गई, सच कह रहा हूँ मैं तो। आप मुझे आपके चैनल से पता चला, और मुझे कोई फोन करता है तो मैं रात को फोन उठाता हूँ, मेरे तो नंबर भी फिर नहीं है चैनल। अब आपका फोन आया तो मुझे उठाना है, मुझे जवाब देना है, ये जानकारी मिली है क्या कारण रहा, क्या रही परिस्थितियां, किस कारण से रोक लगाई गई है, कल सारी स्थिति क्लियर होगी। प्रताप जी, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अनुमोदन के बाद ही लिस्ट आई थी, इसीलिए प्रश्न आपसे किया कि क्या कारण रह सकता है, आप यही बता दीजिए। वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जानकारी में नहीं है क्या कारण रह सकता है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक मिनिस्टर जो जयपुर का अध्यक्ष है, वो बिना सोचे समझे अपना कयास बताए तो अच्छा जी। कल आप भी कहोगे कि यार प्रताप सिंह को अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। तो एआईसीसी ने फिलहाल सूची पर रोक लगा दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कनिका, एक बार फिर आपसे वही प्रश्न, क्या कारण हो सकता है? आपने सुना होगा खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बात कर रहे थे कुछ देर पहले। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ऋषभ, जिस तरह से प्रभारी रंधावा ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसके पीछे तमाम कारण मौजूद है। इसके पीछे एक बार ये भी है कि जल्दीबाजी में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि राजस्थान में कोई भी डिसीजन लिए जाए, क्योंकि आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। वही दूसरी ओर अगर हम देखें तो लगातार परफॉर्मेंस के बेस पे जो है लोगों के नाम चल रहे हैं, और परफॉर्मेंस के बेस पे ही कांग्रेस पार्टी चाहती है अब आगे लोगों को रखना। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बात को मद्देनजर रखते हुए इस चीज के ऊपर रोक लगाई गई। हालांकि देखिए अब तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि प्रभारी रंधावा की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया, वहीं कांग्रेस की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के मद्देनजर और कई लोगों के नाम इस सूची में ऐड होने हैं, कई लोगों के नाम कटने हैं, कई लोगों को मौका दिया जाएगा, नए लोगों को अब की बार मौका दिया जाएगा। तो इस पूरे प्लान के तहत जो है कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान में आगामी चुनाव पे जाना, इसीलिए कहीं ना कहीं जो ये लिस्ट है इस पे जो है रोक लगाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी कनिका कटियार जो इस खबर पर जानकारी साझा कर रही थी। तो एआईसीसी ने फिलहाल 85 सचिवों की सूची पर रोक लगा दी है।